बीते दिनों उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के सीमावर्ती गरगुआ में सनसनीखेज वारदात जहां समूचे उत्तराखंड में चर्चाओं का हिस्सा बनी हुई है, वहीं इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में भी हड़कंप मचा हुआ है। अब इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक हत्यारोपी गगन सिंह जो कि मासूम बच्चे वंश का नाना था, वह लंबे समय से वंश के परिवार के साथ ही रहता था, उसने अपने परिवार के ही चिराग को बुझा दिया। जी हां, स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक गगन इसी परिवार में पला बड़ा था, बचपन से ही वह इसी घर में रहता था। आसपास के ग्रामीणों के मुताबिक गगन सिंह सनकी व्यक्ति था, उसे छोटी छोटी बातों पर आक्रोश आ जाता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी गगन के खिलाफ भादवी धारा 302 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में कुछ स्थानीय ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बीते दिनों परिवार के बीच कुछ मामूली विवाद के कारण ही गगन ने यह जघन्य कृत्य किया होगा। गौरतलब है कि मूल रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील क्षेत्र के गरगुआ गांव के सोप तोक निवासी रमेश सिंह कुंवर के 2 वर्षीय मासूम पुत्र वंश कुंवर को नेपाल निवासी उसके रिश्ते के नाना गगन ने धारदार हथियार बड़ियाट से गला काट कर मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, गगन ने इसके पश्चात वंश की माँ पर भी हमला करने की कोशिश की, परंतु वह असफल रहा, जिसके बाद हत्यारोपी गगन मौके से फरार हो गया था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस विभाग की टीमें मामले की तहकीकात में जुटी हुई हैं। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।